बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की अगुवाई में चास नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। चास के पटेल मार्केट से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में धनबाद सांसद और बोकारो विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने सरकार को बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया और 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। बिजली का जो कटौती हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जहां हम 18-20 घंटे बिजली हम लोग दिया करते थे एनडीए गवर्नमेंट में, और यह सरकार ने घोषणा भी कर रखा था वर्तमान सरकार ने कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि सच्चाई है कि बिना बजटीय उपबंध किए हुए इन लोग झारखंड की जनता को गुमराह करते रहा। और आप देखे होंगे अभी 2-4 दिन पहले हम लोग तो हाउस में ही देखे थे कि जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का बात इन्होंने कहा था वो इस बार वित्तीय बजट में इन्होंने बजटीय उपबंध किया। और आपने देखा होगा 3-4 रोज पहले कि अब बिजली खरीदेंगे, महंगी बिजली, ऐसा हम लोग समाचार के माध्यम से देखा। तो हम लोग को कहना है, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जब पूर्व में सरकार घोषणा कर चुकी थी कि हम फ्री पानी बिजली देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बावजूद भी सरकार का किसी तरह का व्यवस्था नहीं, और यहाँ तक कि आज अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो पहले पूर्ववर्ती सरकार में हम 24 घंटा में ट्रांसफर हम सबों को मिलता था, आज महीना 2 महीना लग जा